यही सब बात है ना दादा, यही नहीं कर सकती मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल कभी भी ना टूटे। अगर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगी तो मुझे सभी के साथ लेनी पड़ेगी, और इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, सेल्फी मैं किसी के साथ नहीं ले सकती। लेकिन रास्ते में जब जब जहाँ जहाँ मुलाकात होगी, एक एक दो दो बंदे के साथ मैं सेल्फी जरूर खिंचवाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को मना नहीं करती। मेरे को रास्ते में भी आप जब भी कहीं भी मिलो एक बार बस टोक दीजिएगा, मैं गाड़ी से उतर के भी आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और अब आप अपना प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। तो फोटो लेकर जिन्होंने बजाया कि अब आप सुनते लीजिए, सुन लीजिए, अब आप सभी ना प्यार से अपने अपने घर जाइए और कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं, किसी को चोट मत लगने दीजिएगा, ठीक है? और प्यार प्यार से घर चले जाइए, अगली बार दोबारा से मुलाकात करेंगे। और जाने जाने की बात करूंगी कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। इसीलिए आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसकी वो रात आखिरी हो। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक एक मिनट को एक एक साल के बराबर जीजिए, क्योंकि 1000 जोड़ी पार करने के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है। पूरा इंजॉय कीजिए इसको, किसी की मत सुनिए माँ बाप के अलावा। और राकेश यादव, योगेंद्र यादव, राजीव सिंह, शुभम सिंह और राम प्रवेश चौहान जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आपके लिए इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। और स्पेशली मेरे लिए बहुत बड़ा की बात है कि आप लोगों के इतने सुंदर सुंदर चेहरे मुझे देखने को मिले।